जब बारिश का मौसम हो सुहाना तो कॉर्न के पकोड़े जरूर बनाना। दोस्तों, कॉर्न आसानी से बारिश के मौसम में मिल जाता है, तो फिर कॉर्न के पकोड़े तो बनते ही है बनाने, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना भोंडेकर और भोंडेकर्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमें एक पॉट में कॉर्न ले लेंगे। मैंने स्वीट कॉर्न लिया है और इसे करेंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। हमें ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। देखिए, ये हो गया। अब एक बाउल ले लेना है और उसमें हम ये मिक्सर डाल देंगे। मिक्सर डाल दिया। देखिए, मैंने ज्यादा बारीक नहीं पीसा है, खुरदुरा ही रखा है, वैसे आपको भी रखना है। अब इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दिया है चॉप की हुई, और चॉप किया हुआ अनियन डाल दिया है, और इसमें कड़ी पत्ता डालना है बारीक काट कर, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया मैंने, और एक चम्मच डाल दिया अजवाइन, और एक चम्मच डाल दिया मैंने जीरा पाउडर, और आधा कप मैंने डाला है राइस फ्लोर, और स्वादानुसार नमक, और एक चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च, और आधा चम्मच हल्दी। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, मिक्स कर लेंगे। हमने राइस फ्लोर इसलिए डाला क्योंकि हमें अच्छे क्रिस्पी ऐसे हमें पकोड़े चाहिए, इसलिए हमने राइस फ्लोर डाला। अगर आपको सॉफ्ट पकोड़े चाहिए तो आप बेसन डाल सकते हैं। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया तो फिर 2 चम्मच ऑयल हम इस मिक्सर में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर इसे मिक्स कर लेना है जिससे कि पकोड़े और भी क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे। ये देखिए, एक थोड़ा सा मिक्सर ड्रॉप करके देखेंगे ऑयल टेस्ट करने के लिए, और फिर अपने हम पकोड़े ड्रॉप करेंगे। पकोड़ों को ज़्यादा ऐसे स्मूथ नहीं करना है, ऐसे थोड़े इरेगुलर शेप में ही पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से डाल दें, बहुत बढ़िया। ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट लगता है हमें इन्हें पकाने में, और फिर ये हमारे गोल्डन कलर के पकोड़े हो गए, यानी फिर हम इसे निकाल लेंगे। किसी किसी को हाथ से डालना पकोड़े नहीं जमता है, तो फिर आप स्पून से भी डाल सकते हैं। मैंने वो भी तरीका इसमें बताया है जिससे कि आपके हाथ भी गर्म नहीं लगेंगे। देखिए इस तरह से हम स्पून से डाल सकते हैं। ये देखिए, कोई टेस्ट में भी फ़र्क नहीं रहता, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं रहता। ये देखिए हो गया। और हरी मिर्च के बगैर तो हमारे पकौड़े खाने का मज़ा ही अधूरा रहता है, इसलिए हरी मिर्च डालें और गर्मा गर्म सर्व करें।